साहस सरोकार। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में छोटी बच्ची को सैंडल पहनाकर राहुल गांधी ने जीता लोगों का दिल। सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई का एक्शन, कमरों की हो रही जांच, वॉशरूम की होगी वीडियोग्राफी। मानसून सत्र में कानून के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष, सपा ने कहा 10 दिन का सदन का सत्र हो, कल से हो रहा शुरू। क्रिकेटर मोहम्मद शमी हुए कोरोना पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन अवसर पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अलग ही ढंग से मनाया। वहीं व्यापार मंडल के जिला प्रभारी ने नगर में चाय विक्रेताओं को उपहार देकर सम्मानित किया, साथ ही कहा कि पीएम मोदी देश के विकास से हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं इस आयोजन में बसपा नेता, महापौर व जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को सदस्यता दिलाई। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, भ्रष्टाचार और रोजगार को समाप्त करने में लगी है। ये हमारी पार्टी उसकी पहली मीटिंग थी, और जगहों पर भी मीटिंगें चल रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाए जा रहे हैं, अपनी पार्टी के उसूल बताए जा रहे हैं, और इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाएगा तो आपके सामने सब चीज़ें आएंगी। आज एक ताकत एक होने की ज़रूरत है, कमज़ोरों को, गरीबों को, मुसलमानों को, और किसी भी जाति का हो, कमज़ोर है, हम सब एक हैं। खबर संभल से है, जहां बुकनाला सादात में करीब 2 साल बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नवासा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत में जुलूस निकाला गया। इमामबाड़ो के आजा खानों ताजिए को पूरी अच्छी तरह से सजाया गया। वहीं जुलूस को आजदार दरगाह ए साहिबुद्दमान होकर बुकनाला सहाद पहुंच इसे नस्ब कर दिया। अलीगढ़ में पहली बार वीरांगना राजमाता जीजाबाई जी के सम्मान में मातृशक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एयरनेल जीनियस वन संस्था के बैनर तले किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के शहरों से भी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। एटर्नल जीनियस वन जो कि हमारी संस्था है, उसके बैनर तले आज राजमाता जीजाबाई जो कि एक वीरांगना है, उनके सम्मान में हमने मातृशक्ति सम्मान और सांस्कृतिक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम एकदम निःशुल्क हमने रखा है। इसमें चित्रकला, मेहंदी, नृत्य, गायन, मॉडलिंग, योग, ताइक्वांडो और भी कई सारी ऐसी प्रस्तुति हैं जिनका हमने एक मिक्स यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। हरदोई की 7वीं जनसंपर्क बैठक हरपालपुर कस्बे में हुई, जिसमें संगठन के विस्तार और आने वाले विजयदशमी दशहरा पर हरदोई के आर इंटर में ऐतिहासिक भीड़ जुटाने की अपील की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए महासभा के जिला अध्यक्ष राज्यपाल सिंह ने कहा कि महासभा युवाओं के मध्य जाकर उनको जोड़ने का कार्य कर रही है, जिसमें युवा भी समाज में आपसी भाईचारे का आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम पंचायत बेसरापुर के बालेश्वर धाम में एमएलसी पवन सिंह चौहान गोमती नदी के तट पर पहुंच दर्शन किया, साथ ही ग्रामीणों की समस्या सुनी। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि ने एमएलसी को 8 सूची मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यहां पर खास करके रोड के लिए, जीजी के लिए, और कुछ
यज्ञशाला है जी, इन सब चीज़ों की जो समस्या है जी, नलकूप की व्यवस्था जी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ध्यान से सुने हैं और हम बालू साहब महाराज की भी कृपा होगी जी, सारी चीज़ें यहाँ के सारे रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द से पूरा करने की कोशिश। खबर सीतापुर से है जहां शारदा नदी में पानी बढ़ने से मानपुर मल्लापुर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन धान व अन्य फसलें पूरी तरह नदी के पानी में डूब गई है। बता दें कि सिंचाई विभाग की तरफ से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। शारदा नदी में पानी बढ़ने से गाँव वालों के घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। घर वर्ग सब कट रहा है, कोई अधिकारी ना आया होते हैं, गन्ना लिया हुआ सब कटते हैं चली जाती है, कोई देखभाल नहीं होती है सब गांव में। यहाँ हमारे घर से नदी कम से कम 200 मीटर पे दूरी थी, उसके बाद सरकारी काम भी चल रहा है और नदी भी काट के हमारे घर के बगल में 2 मीटर बचा है। शिकायत करते हैं तहसीलदार साहब, SDM साहब, DM साहब, बताते हैं हो जाएगा लेकिन होता कुछ नहीं है। जो बाढ़ है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा पानी का यहाँ, और अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ है, नहीं तो ये कब का रुक जाता है। और ये पीछे देखिए हमारे वो एक जगह वो बोरी दिख रही है, बाकी वहाँ लास्ट में थोड़े बम्बू दिख रहे हैं, बाकी अच्छे तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। खबर हरदोई से है जहां दबंगों ने एक महिला की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वहीं विधवा पीड़ित महिला का कहना है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर हमारे साथ मारपीट करते हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप सामने आया है। दो लोग गांव के हैं, एक लोग मानपुर के हैं, और देखो वह एक जने मानपुर के हैं गुप्ता से, मोहन गुप्ता, और हमारे जो शरीर का है वह जयंती ने हमारे में कब्जा कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं कहीं पर। हमारे लोग चार भाई थे और 2 भाइयों ने बेच दिए और अभी 2 भाइयों ने बेची नहीं है, तो वो 2 भाई बेच चुके हैं, उनके बनी पड़ी हुई है, उनकी जगह निकल नहीं रही है, तो वो दूसरे के बना रहे हैं, इनके बना रहे हैं, हमारे बना नहीं रहे हैं, लेकिन इस लड़की चाचू की जगह निकल इसके बना रहे हैं। और थाने में जाओ, थाने में कोई सुनवाई होती ही नहीं है, हरदोई में गए तो हरदोई में कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि थाने में लोग पैसे दे के आते हैं। ये हमने शिकायत कप्तान साहब के पास भी की थी और थाने भी दी थी, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है, और बेचा किसी और ने तो निर्माण हमारे में कर रहे हैं, और यही बोल रहे हैं कि हम आगे बनाएंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती बनाएंगे कि इन्होंने बेचा तो हमारा लिखा हुआ कि आगे बनाने का, कि पीछे बनाने की हमारी कोई जरूरत नहीं, कि हम आपके में बनाएंगे बोल रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है जहां ARTO ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। जिसके पास हेलमेट नहीं, ओवरलोड वाहनों की जांच कर उनके भी चालान काटे, साथ ही 2 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया। बता दें कि SDM व ARTO ने यातायात नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए। आज 4 वाहनों को पंजीकृत पकड़े गए और जो विशेष चेकिंग प्रोग्राम के तहत PTO साहब, इंस्पेक्टर अनूप शहर, ARM के द्वारा इनको सीज किया गया। रामपुर में पुलिस अधीक्षक, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी की। संभल के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोगों का खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको दूसरा रूप दे दिया गया था, उसका मामला इतना बड़ा नहीं था जिससे गिरफ्तारी की जाए, उसके परिवारों को उठाया जाए, इसलिए उनके परिवार के लोग SP आवास पर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि बेगुनाह लोगों को छोड़ा जाए, हम इंसाफ की पूरी उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। अब बेगुनाहों को, छोटे छोटे मामलों को तलाश करके पुलिस पकड़ रही है, तो उसके लिए सारा पूरा डेलीगेशन मिला था और रामपुर के काफ़ी लोग हैं, सारे सम्मानित लोग, अपनी बात कही है, कप्तान साहब ने बात को सुना भी है, कुछ बातें ऐसी थी जो उनके संज्ञान में नहीं थी, जो नीचे लेवल की पुलिस कर रही है अपने हिसाब से दूसरे लोगों से हमसाज होकर, तो वो बात भी उनके समझ में आई, तो हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।
देवरिया से ताल तक टूटी हुई सड़कों और सड़क के बीच बने गड्ढों के चलते राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए युवा मोर्चा ने धिक्कार पदयात्रा कर सड़क बनवाने की मांग की। बता दें कि यह टूटी सड़क लार से पिट्टी तक 30 गांवों से होती हुई जाती है। इस पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान मोर्चा के अध्यक्ष आलिम लारी, महासचिव विश्वकर्मा मौजूद रहे। लार युवा मोर्चा समाज सेवी संस्था द्वारा धिक्कार पद यात्रा पिंडी चौराहे से लार पिपरा चौराहा तक निकाला गया, जिसका उद्देश्य पिंडी से लार तक सड़कें जो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, जिसे आवागमन बाधित हो रहा है और प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है कि सरकार उस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण हो सके, ताकि आम जनमानस को जो है लाभ मिले। अयोध्या के बीकापुर में ब्लॉक प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी का नाम भूल गए। वहीं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर और स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कई बार बोलने के बाद रुके ब्लॉक प्रमुख और थोड़ी देर बाद सोच कर बोले प्रधानमंत्री मोदी का नाम। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर तथा स्वास्थ्य मेले में ब्लॉक प्रमुख हुए थे शामिल। गाजियाबाद के थाना खोड़ा में 17 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक एक युवक आए दिन युवती को धमकी देकर परेशान कर रहा था। वहीं फांसी की सूचना मिलते ही युवती के परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस जांच में जुटी गई है। मेरी बच्ची को सचिन शर्मा और अतुल उसका जीजा और सिपुल, ये सब सारे परेशान करते थे मेरी बच्ची को। ये मेरे घर पर आए, एक बार मेरी गली में घूमते रहते थे ये, और ये बोलते थे कि जब मेरी लड़की ये बात इनसे नहीं करती थी, तब वो सचिन मेरी लड़की को परेशान कर रहा था बहुत। मैसेज आया, मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया, भाई से पता किया, फिर उनके कहना पता चला कि लड़के के नंबर से वो मैसेज आ रहे, तो मैंने फिर इनके जरिए से उसको ऐसे ऐसे बताया, तो मैंने घर पे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे सचिन नाम के आरडी से। थाना क्षेत्र खोड़ा की रहने वाली एक लड़की ने 12/9/2022 को सुसाइड कर लिया था, जिसमें परिजनों का एक आरोप था कि ये लड़का भरथना इटावा का रहने वाला सचिन शर्मा, उसने इसकी लड़की से प्रेम संबंध था, जिससे लड़की लगातार लड़के लड़की में बातचीत होती थी, और उसी में कुछ लोगों के बीच में हट्टा हुई, जिससे लड़की ने सुसाइड कर लिया था। इसमें उचित धारा में भी पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद के लोहिया नगर इलाके में पुलिस के पास एक युवक ने FIR दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि युवक ने बताया था कि विदेशी नंबरों से उसको व्हाट्सएप कॉल आ रहा है और जान से मारने की धमकी भी देता था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। उनको भी चाहिए था ये नंबर, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, वैसे कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें बातचीत करने में। मैंने कहा तो एक काम करो, पहले आप यही नंबर ले लो, उससे मैंने फर्स्ट कॉल मैंने की थी उनको। डॉक्टर ने आपसे ये विदेशी नंबर की मांग की थी? हाँ, इस वजह से मैंने उनको वही सबसे पहले यही नंबर दिया था, उसके बाद उसी नंबर से ही बात हुई है। ये थाना सिहानी गेट में 9 सितंबर को एक FIR पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर अरविंद सकेला ने ये बताया था कि 2 सितंबर को उनको एक इंटरनेट US के नंबर से उनको धमकी मिली थी, जिसमें उनको सरतन से जुना होने की बात की थी। इसमें पुलिस ने गहनता से तफ्तीश चालू कर दी थी और अब ये प्रूव हो गया है कि डॉक्टर ने अपनी लोकप्रियता पाने के लिए ये हरकत करी है। बदायूं में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 किलो अफीम की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के पास से स्कूटी में आरोपी अफीम रख के जा रहे थे।
औरैया में यमुना नदी में आई बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों की फसलें डूब गई हैं। किसान काफी बेबस और असहाय महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण को फसल नुकसान का मुआवजा शासन के निर्देश के बाद तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चेक वितरण के साथ किया गया। इस दौरान डीएम समेत आला अधिकारी और मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद भी मौजूद रहे। किसानों को 1000 का चेक वितरित किया गया। चेक वितरण के दौरान शासन की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए भी सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया। औरैया जनपद के 15-16 गांव पानी के बढ़ोतरी से पूरी तरह से प्रभावित हुए थे और फसल का भी नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे प्रशासन और सभी के सहयोग से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फसल का जो नुकसान हुआ उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की व्यवस्था की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।